मान लीजिए आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिप पे जा रहे हैं, आपके ड्रीम डेस्टिनेशन पे, जिसके लिए आप काफ़ी सालों तक इंतज़ार कर रहे थे और फाइनली जाके आपका ये ड्रीम पूरा होने जा रहा है। नाउ कंसिडरिंग कि आपको मेमोरीज कैप्चर करना पसंद है, आपके ट्रैवल का जो फोटोग्राफ्स है वो आप खींचना पसंद करते हैं। अनलाइक मी, मैं बहुत सारे जगह पे ट्रैवल करता हूँ लेकिन मुझे उतना ज़्यादा पर्सनल फोटोज़ कैप्चर करने का शौक नहीं है। मुझे अपने आँखों से उस जगह को रियल टाइम में देखना और उस मोमेंट को एंजॉय करने में ज़्यादा इंटरेस्ट है। हालाँकि मुझे मेरी वाइफ के लिए या फिर मैं जब मेरा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ किसी जगह पर ट्रैवल करने जाता हूँ तो वहाँ पर हम ऑब्वियसली फ़ोटोज़ कैप्चर करते हैं। एनीवे, अगर मैं आपको कहूं कि मैं आपके इस ट्रिप के लिए मैं आपको एक कैमरा दूंगा और आपको इस पूरे ट्रिप में इसी एक कैमरा से आपको जो भी फ़ोटोज़ कैप्चर करना है वो करना होगा, आप अपने मोबाइल फ़ोन का भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और आप कोई दूसरा कैमरा भी यूज़ नहीं कर पाएंगे, और मैं जो आपको ये कैमरा दूंगा आप इस पूरे ट्रिप में इस कैमरा से ओनली 36 फ़ोटोज़ ही कैप्चर कर सकते हैं, और ऊपर से आप जब ये फ़ोटोज़ कैप्चर करेंगे तब इंस्टेंटली आप इन इमेजेस को चेक भी नहीं कर सकते हैं कि फ़ोटो ऐसा आया है, एक्सपोजर, वाइट बैलेंस, फोकस, ये सब ठीक है कि नहीं, ये भी आप चेक नहीं कर सकते हैं। आप जब ट्रिप खत्म करके वापस आएंगे फिर उसके 10 से 15 दिनों के बाद मैं आपको वो फोटोज दिखाऊंगा और फिर जाके आपको ये फोटोज देखने को मिलेगा। आपको फिर कभी इस ट्रिप में जाने का दूसरा मौका नहीं मिलेगा और आपने जो भी फोटोज कैप्चर किया है उसी से खुश रहना है। तो सोचिए ये कैसा होता। ऑब्वियस सी बात है, आज के दिन पे हम ये सोच भी नहीं सकते हैं और ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हाई एंग्जाइटी सिचुएशन हो जाएगा, राइट? पर कुछ साल पहले भी बिल्कुल ऐसा ही सिचुएशन था। जब डिजिटल कैमरास नहीं आए थे तब हमें इसी तरह से फ़ोटोज़ कैप्चर करना होता था। तो आपको मैंने ये स्टोरी क्यों सुनाया? आज तो हम डिजिटल सेंसर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो डिजिटल सेंसर्स को समझने के लिए आपको थोड़ा सा फोटोग्राफी का हिस्ट्री भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि फिल्म नेगेटिव के ऊपर ही बेस करके आजकल का जो भी मॉडर्न डे डिजिटल सेंसर्स है वो डिज़ाइन किया गया है। तो पहले शुरू करते हैं 35 मिलीमीटर फिल्म से। पहले क्या होता था, मार्केट में 35 मिलीमीटर का फिल्म रोल्स मिलता था जिसे फिल्म नेगेटिव भी कहा जाता है। एक एक फिल्म रोल में या फिर फिल्म स्पूल में हम अराउंड 36 फोटोज़ कैप्चर कर पाते थे और ऊपर से कुछ शॉट्स तो वैसे ही वेस्ट हो जाते थे। और ये फिल्म रोल्स डिफरेंट ISO सेंसिटिविटी के साथ आता था, जैसे कि 100 हो सकता है, 400 है, 800 है, 1600, 3200, इस तरह का ISO में ये फिल्म रोल्स मिलता था। तो आपको पहले ही डिसाइड करना होता था कि आपको कौन सा ISO का फिल्म रोल खरीदना है और यूज़ करना है, और ये आप अपने यूज़ केस के बेसिस पे डिसाइड करते थे। अगर आपको लो लाइट सेंसिटिविटी ज़्यादा चाहिए था तो आप हायर ISO के फिल्म रोल खरीदते थे। तो एक 3200 का फिल्म रोल डे लाइट में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता था, तो डे लाइट फोटोशूट के लिए आप 100 या फिर 400 तक का ISO का फिल्म रोल खरीदते थे। लोअर ISO का जो फिल्म रोल्स होते थे उसमें लाइट सेंसिटिविटी भी कम होता था लेकिन उसमें नॉइज़ ग्रेन भी कम आता था, लेकिन हायर ISO का जो फिल्म रोल्स होता था उसमें लाइट सेंसिटिविटी तो ज़्यादा होता था, मतलब लो लाइट में वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता था लेकिन उसमें नॉइज़ और ग्रेन्स भी ज़्यादा आता था। और इन फिल्म रोल्स के साइड में ये जो होल्स होते हैं इसे परफोरेशंस कहते हैं, और इन नेगेटिव्स का एक स्लाइड में कितना परफोरेशंस रहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है फिल्म का साइज। यूजुअली 35 मिलीमीटर का जो फिल्म रोल्स होता है उसमें एक एक स्लाइड में 4 परफोरेशंस रहते हैं। सिमिलरली अगर आप 70 मिलीमीटर IMAX कैमरा का जो फिल्म रोल्स होता है उसको चेक करेंगे तो उसमें 15 परफोरेशंस रहता है। तो आप समझ सकते हैं एक IMAX कैमरा का जो फिल्म है वो 35 मिलीमीटर फुल फ्रेम जो फिल्म है उससे भी कितना ज़्यादा बड़ा है। तो इसलिए IMAX कैमरा में शूट करने से वीडियो का जो डेप्थ आता है, जो फील्ड ऑफ व्यू आता है वो बहुत ही बड़ा होता है और बहुत ही ज़्यादा इमर्सिव होता है। तो इसलिए क्रिस्टोफर नोलन जैसे फिल्म मेकर्स IMAX कैमरास से शूट करना बहुत ही पसंद करते हैं। ये जो 35 मिलीमीटर फिल्म रोल्स है वो जब हम फोटोग्राफी पर्पस में यूज़ करते हैं तो वो कैमरे में हॉरिजॉन्टली मूव करता है और इसका जो एस्पेक्ट रेशियो होता है वो 3:2 होता है, और वीडियो कैमरे में 35 मिलीमीटर फिल्म रोल्स वर्टिकली मूव करता है और इसका जो एस्पेक्ट रेशियो होता है वो वाइड स्क्रीन में होता है, और इसे हम सुपर 35 मिलीमीटर कहते हैं। ये सेंसर साइजेस आज के दिन पे भी बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और हमारा जो फुल फ्रेम डिजिटल 35 मिलीमीटर सेंसर्स आया है वो भी इसी 35 मिलीमीटर फिल्म नेगेटिव के ऊपर बेस करके आया है। एंड डिजिटल सिनेमा कैमरास में हम यूजुअली सुपर 35 सेंसर्स देखते हैं जिसका साइज APS-C सेंसर से काफी ज्यादा मिलता है। तो ऑब्वियस सी बात है इन डिजिटल सेंसर्स का बहुत सारा एडवांटेजेस होता है, जैसे कि आपको बार बार फिल्म रोल्स को चेंज करना नहीं होता है, आप अनलिमिटेड टाइम्स शूट कर सकते हैं,
एक शॉट लेने के बाद इंस्टेंटली उसको प्रीव्यू कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। आप चाहे तो किसी शॉट को डिलीट कर सकते हैं, डिजिटल फोटोज और वीडियोस को बहुत सारे तरीकों से मैनिपुलेट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, बहुत ही इजीली डिफरेंट लुक्स दे सकते हैं। इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं। डिजिटल इमेज सेंसर्स का जो शार्पनेस होता है और इमेज क्वालिटी है वो भी यूजुअली ज़्यादा होता है, और डिजिटल सेंसर्स जिस स्पीड में इम्प्रूव कर रहा है उससे हमें आज के टाइम पे बहुत ही हाई क्वालिटी इमेजेस मिल रहा है, और फ्यूचर में ये और भी ज़्यादा हाई क्वालिटी इमेजेस प्रोड्यूस कर पाएगा। पर बहुत सारे फोटोग्राफर्स और वीडियोग्राफर्स अभी भी फिल्म में शूट करना पसंद करते हैं, क्योंकि फिल्म में शूट करने का कुछ कुछ एडवांटेजेस है जो आपको डिजिटली शूट करने पे नहीं मिलता है। हम जो फिल्म लुक के बारे में बात करते हैं वो मेनली फिल्म में शूट करने से ही आता है, और आज के डेट पे हम डिजिटल वीडियोस पे वो एडिटिंग के टाइम पे और कलर ग्रेडिंग करके वही फिल्म लुक देने का कोशिश करते हैं। क्योंकि हम लोग बहुत सालों से जो भी सिनेमास देखते आए हैं वो मोस्टली फिल्म में ही शूट किया गया है, तो हम लोगों को फिल्म्स को एक पर्टिकुलर वे में देखने का आदत पड़ चुका है और वही हम फिल्म लुक के साथ एसोसिएट करते हैं। तो जब आप सेलुलॉइड फिल्म में शूट करते हैं तो आपका फुटेज नेचुरली सिनेमेटिक आता है। फिल्म का एक ऑर्गेनिक फिल्म ग्रेन होता है जो आपको फिल्म में शूट करने से ही मिलता है, जिसे मोस्ट फिल्म मेकर्स बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। हम अभी के टाइम पे हमारे डिजिटल फुटेज पे भी अलग से फिल्म ग्रेन्स ऐड करते हैं इसी पर्पस से, और फिल्म में शूट करने से जो लुक आता है वो आपको एक विंटेज लुक देता है जो एक बहुत ही नॉस्टैल्जिक इमोशनल फीलिंग जनरेट करता है, जिसे आप डिजिटली शूट करने पे कभी भी अचीव नहीं कर सकते हैं। फिल्म्स का डायनेमिक रेंज भी यूजुअली ज़्यादा होता है, और इसमें जो हाईलाइट रोल ऑफ आपको देखने को मिलता है वो भी बहुत ही सॉफ्ट और ऑर्गेनिक लगता है, और फिल्म में शूट करने से जो लुक आपको मिलता है वो इन जनरल बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनिक लगता है। आपको डिजिटली शूट करने पे जो डिजिटल शार्पनेस देखने को मिलता है वो फिल्म में नहीं आता है, और ये देखने में भी बहुत ही ज़्यादा प्लीजिंग होता है। तो इसी वजह से आज के डेट पे भी बहुत सारे मॉडर्न फिल्म मेकर्स अभी भी फिल्म में शूट करना प्रेफर करते हैं। क्वेंटिन टारांटिनो फिल्म में शूट करते हैं, डैरन अरोनॉफ्स्की का जो ब्लैक स्वान फिल्म है वो भी 16mm फिल्म में शूट किया गया है, और क्रिस्टोफर नोलन तो फिल्म में शूट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। तो अभी चलिए मोस्ट कॉमन इमेज सेंसर्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है IMAX। IMAX का जो फिल्म रोल है उसका साइज डायगोनली 70mm है, तो आप समझ सकते हैं एक फुल फ्रेम 35mm का डबल है, और इसका जो एस्पेक्ट रेशियो है वो है 1.43:1, तो ये एक स्क्वायर इमेज को कैप्चर करता है। तो इसके वजह से IMAX का एक एक फ्रेम बहुत ही बड़ा होता है और बहुत ही ज़्यादा इमर्सिव होता है। इसका जो डिजिटल इक्विवेलेंट रेजोल्यूशन है वो भी अराउंड 16K है, मतलब हम अभी भी 1080p में शूट करते हैं, एट मैक्स 4K शूट करते हैं, 4K में एडिट करते हैं, 4K में वीडियोज अपलोड करते हैं, और IMAX कैमराज का जो रेजोल्यूशन है वो है अप टू 16K। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा रेजोल्यूशन एक IMAX कैमरा कैप्चर कर सकते हैं। तो इसके वजह से क्रिस्टोफर नोलन का ये फेवरेट फॉर्मेट है। लेकिन IMAX कैमराज बहुत ही ज़्यादा हेवी होता है, और इसका एक एक रील 3 से 4 मिनट का ही फुटेज ले पाता है, और कार्ट्रिज चेंज करने का जो टाइम है वो भी अराउंड 30 मिनट है, मतलब एक कार्ट्रिज फिलअप हो जाने के बाद उसको चेंज करने में अराउंड 30 मिनट लगता है। तो आप समझ ही सकते हैं IMAX कैमरा में शूट करना कितना ज़्यादा इनकॉन्वीनियंट और डिफ़िकल्ट है, लेकिन आपको जो इमेजेस मिलता है वो इतना अच्छा होता है कि क्रिस्टोफर नोलन जैसे फिल्म मेकर्स के लिए ये वर्थ इट है। फिर अगर हम डिजिटल फोटोग्राफी सेंसर्स के बारे में बात करें तो वहाँ पे आज के डेट पे जो लार्जेस्ट सेंसर है वो है मीडियम फॉर्मेट। ये फुल फ्रेम से भी ज़्यादा बड़ा एक सेंसर होता है। फेज वन, हैसलब्लैड और फुजी फिल्म का कुछ मीडियम फॉर्मेट कैमराज में ये सेंसर आपको देखने को मिल जाएगा। पर ये सेंसर इतना बड़ा होने की वजह से ये फोटोज तो बहुत ही डिटेल्ड कैप्चर करता है, लेकिन ये कैमराज बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। फिर मोस्ट प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स के लिए जो सबसे कॉमन और प्रेफर्ड सेंसर है वो है 35mm फुल फ्रेम। कैनन 5D, कैनन का R5, सोनी A7 सीरीज, पैनासोनिक का S सीरीज, इन सब कैमराज में आपको फुल फ्रेम सेंसर्स देखने को मिलता है। ये जो फुल फ्रेम सेंसर्स हैं ये जो हमने पहले बात किया 35mm फिल्म नेगेटिव, उसी के साइज के ऊपर बेस करके ये डिजिटल सेंसर डेवलप किया गया है, एंड दैट इज व्हाई दिस इज द मोस्ट कॉमन सेंसर साइज। फिर आता है APS-C सेंसर्स। ये सेंसर फुल फ्रेम से छोटा होता है, और इसी वजह से ये थोड़ा सा इनएक्सपेंसिव होता है, और मोस्ट बिगिनर और इंटरमीडिएट फोटोग्राफर्स इसी सेंसर से फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी शुरू करते हैं। ये सेंसर आपको कैनन के R7, R10 या फिर सोनी का ZV-E10 जो कैमरा मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ इसमें, या फिर सोनी का जो A6000 सीरीज़ का कैमराज हैं जैसे कि A64000, A66000, इवन A61000, इन सब कैमराज में, और फुजी फिल्म का XT रेंज का
जो सीरीज़ हैं, फुजी फिल्म XT3, XT4 एंड इवन फुजी फिल्म का जो नया XH2 सीरीज़ आया है उसमें भी आपको यही APS-C सेंसर देखने को मिलता है। और इस सेंसर का साइज सुपर 35 के बहुत ही क्लोज होता है एंड मोस्ट सिनेमा कैमरेज में आज भी सुपर 35 सेंसर ही यूज होता है, तो इस वजह से ये एक बहुत ही अच्छा सेंसर साइज है। फिर आता है माइक्रो फोर थर्ड सेंसर, ये एक APS-C सेंसर से भी थोड़ा सा छोटा होता है और इसका जो एस्पेक्ट रेशियो है वो 4:3 है और इसीलिए इसका नाम माइक्रो फोर थर्ड है और ये सेंसर साइज कंपेरेबल है 16mm फिल्म के साथ, तो ये भी एक बहुत ही कॉमनली यूज्ड सेंसर साइज है। इसमें आपको काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस मिलता है, बहुत ही अच्छा इमेज क्वालिटी मिलता है और इसका साइज छोटा होने की वजह से ये उतना ज़्यादा हीट भी नहीं जनरेट करता है और जिन कैमरेज में ये सेंसर यूज होता है उन कैमरेज का जो माउंट है, जो माइक्रो फोर थर्ड माउंट है, वो बहुत सारे लेंसेज को अडॉप्ट कर सकता है, तो इसके वजह से भी फोटोग्राफर्स और वीडियोग्राफर्स इस सेंसर को बहुत ही पसंद करते हैं। यह सेंसर आपको पैनासोनिक का जो GH सीरीज है उसमें देखने को मिल जाएगा और ब्लैक मैजिक पॉकेट सिनेमा कैमरा 4K में भी इसी सेंसर का यूज किया गया है। फिर हाई एंड पॉइंट एंड शूट कैमरेज में एक 1-inch सेंसर यूज होता है और मोबाइल फोन कैमरेज में और भी छोटा सेंसर यूज होता है। जितना बड़ा सेंसर होगा वो उतना ज़्यादा लाइट कैप्चर करने में कैपेबल होगा, तो वो लो लाइट में भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा और वो आपको शैलोअर डेप्थ ऑफ फील्ड भी देगा, मतलब बड़ा सेंसर में आपको ज़्यादा बैकग्राउंड ब्लर देखने को मिलता है। लेकिन जितना बड़ा सेंसर होगा प्राइस भी उतना ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। नाउ लेट्स सी कि मोस्ट डिजिटल फिल्म कैमरेज में कौन कौन से सेंसर्स यूज होता है। जैसे कि अगर आप रेड कोमोडो का बात करेंगे तो उसमें एक सुपर 35 सेंसर है जो अप टू 6K रेजोल्यूशन सपोर्ट करता है। रेड का जो लेटेस्ट V-Raptor कैमरा आया है उसमें एक विस्टा विजन सेंसर है जो फुल फ्रेम से भी ज़्यादा बड़ा है। इसका सेंसर साइज डायगनली अराउंड 40mm to 46mm का है। फिर अगर आप Arri Alexa का बात करेंगे तो उसमें भी एक सुपर 35 सेंसर ही है और Arri Alexa 65 जो कैमरा है उसमें एक 65mm का लार्ज सेंसर होता है। इसके अलावा Arri Alexa का लार्ज फॉर्मेट सेंसर्स भी अवेलेबल है। फिर अगर आप सोनी वेनिस के बात करेंगे तो उसमें भी एक 35mm का फुल फ्रेम सेंसर है। सोनी FX3, FX6, FX9 इन सब कैमराज में भी 35mm फुल फ्रेम सेंसर्स अवेलेबल है। कैनन का सिनेमा लाइन का जो C700 कैमरा है उसमें भी एक 35mm फुल फ्रेम सेंसर है और कैनन का जो अफोर्डेबल सिनेमा लाइन का C70 कैमरा है उसमें एक सुपर 35 सेंसर है। और अगर आप ब्लैक मैजिक पॉकेट सिनेमा कैमरा के बारे में बात करेंगे तो उसका जो 6K वेरिएंट है उसमें एक सुपर 35 सेंसर है और पॉकेट सिनेमा कैमरा का जो 4K वर्जन है उसमें एक माइक्रो फोर थर्ड सेंसर है। सो आई होप कि आपको आज कैमरा के सेंसर साइजेस के बारे में क्लैरिटी मिला है। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप नीचे मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं आपका डाउट क्लियर करने का जरूर कोशिश करूंगा। सो दैट वॉज इट फॉर टुडे गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।